नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द एच एस एस सी अड्डा में। आज की इस वीडियो में हम अपना जो काउंटिंग ऑफ फिगर है, जैसे जिसमें आप ट्रायंगल आ जाता है कि भी ट्रायंगल को कैसे काउंट करें, स्क्वायर को कैसे काउंट करें, रेक्टेंगल है जो वो कैसे काउंट करें कि भी कोई दे देगा हमें इस टाइप का बॉक्स दे देगा, इसमें रेक्टेंगल बताओ कितने हैं, इसमें स्क्वायर बताओ कितने हैं, तो जैसे ये दिया इसमें ट्रायंगल बताओ कितने हैं, तो हम आसान भाषा में आसान तरीके से इस वीडियो में इन सब को समझने वाले हैं। वीडियो के बाद आप नहीं कहेंगे कि मुझे ट्रायंगल काउंट नहीं करना आता, जो स्क्वायर है वो काउंट नहीं करना आता। देखिए, जो ट्रायंगल की बात कर लेते हैं स्टार्टिंग में, ट्रायंगल दिया हुआ, मान लीजिए ये ट्रायंगल दिया आपको, एक ट्रायंगल है जैसे ये दिया हुआ स्टार्टिंग में, इस टाइप का ट्रायंगल है कोई, ये वाला सिंपल, और इसमें एक लाइनिंग खींच दी, तो इसमें ट्रायंगल काउंट कैसे करते हैं? वैसे तो बोलेंगे कि एक दो और एक पूरा बड़े वाला, इसमें ऐसे करते हैं जैसे इनको काउंट कर लेंगे एक दो, और फिर इनको जोड़ देंगे एक प्लस में दो तीन। अब जैसे ये इसी को लगा लीजिए, तीन दिए हुए हैं एक दो तीन, तो इनको जोड़ देंगे एक प्लस दो प्लस तीन, तो ये छः आ जाएगा। अगर इसमें और ज़्यादा दिए होते, चार दिए होते इसमें, तो एक दो तीन चार, इनको जोड़ देते एक प्लस में दो, दो प्लस में तीन छः, छः प्लस में चार, तो इसमें दस हो जाते। ठीक है, ऐसे इस फिगर का निकालते हैं। अब दूसरा फिगर है अपना, देखिए मान लीजिए आपको इस टाइप का दिया है, एक तो जो पहले रूल था अपना पहले वाला था ये वाला, और बीच में से इनके दूसरा और बाइसेक्ट कर दिया, इसको निकाल दिया, इसमें बतानी है कितनी होंगी। तो इसमें क्या करेंगे, वो तो रूल अपना लगेगा ही जो पहले था ये वाला, एक दो इनको तो करेंगे ही हम, और फिर इनको भी करेंगे एक प्लस में दो। ठीक है, अब इनको जोड़ लेंगे एक प्लस में दो, कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा, और जो इसमें ज़्यादा है जितने हैं एक दो जितने भी हैं, जो मैक्सिमम अपना जैसे दो आया इसमें मैक्सिमम है, तो उसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये अपना आंसर आ जाएगा छः, जो इसमें छः ट्रायंगल है अपनी। ठीक है, अब जैसे इसमें है ये दिया हुआ है अपने को ये वाला, इसमें बना रखे हैं तीन बॉक्स और तीन ही ऐसे बना रखे हैं। ठीक है, इसमें एक दो तीन हो गई है, एक दो तीन, इनको जोड़ेंगे तो एक प्लस दो प्लस तीन, तो छः हो गया ये, इन टू में ये कितना है एक दो और तीन और चार। ठीक है, ये चार है तो चार से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चौबीस आ जाएगा इसका आंसर, इसमें जो होंगे वो चौबीस होंगे अपने। ठीक है, अब ये इस टाइप का बॉक्स दे देगा अपने को, स्क्वायर टाइप में रेक्टेंगल टाइप में, और उसको क्रॉस कर देगा इसे, ये जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ये वाला, ये क्रॉस कर देगा इसे। ठीक है, इसमें क्रॉस करने के बाद कैसे निकालेंगे अपन, इसमें इनको जो अंदर बॉक्स में बनेंगे इनको काउंट कर लेंगे, और सिंपली दो से मल्टीप्लाई कर देंगे इस टाइप में सिंपल वाले में, तो कितने हो जाएंगे आठ। अब जैसे इसमें और ज़्यादा बना दिए इस टाइप के, एक तो मिडिल से ये इधर से निकाल दिया, ठीक है जैसे इसमें निकाल रखे हैं, ये निकाल दिया फिर इधर से निकाल दिया, तो इनको काउंट करके छः हो गया, तो छः को कितने से मल्टीप्लाई दो से, तो कितना आ जाएगा अपना बारह इसका आंसर आ जाएगा। अब तीसरे टाइप का आता है, इसमें इन दोनों ये दो बॉक्स है जैसे पहले वाला था ये, इसको दो बॉक्सों को ऐसे वालों को कंबाइन कर दिया, इसमें साथ में कंबाइन कर दिया इनको, तो इसमें इसमें देखिए हमने कितना पढ़ा था, इसमें कितने थे आठ, और ये दूसरा भी इसी टाइप का है, और इसमें कितने हैं अपने आठ, आठ दूने सोलह हो गए, तो लेकिन ये कॉर्नर बन गए एक, यहाँ पर म्यूचुअल कॉर्नर है, इस कॉर्नर से ये वाला ट्रायंगल है जो ये, इस कॉर्नर से मान ली ये वाला ट्रायंगल है ये वाला, और इस कॉर्नर से ये वाला ट्रायंगल है जो ये ट्रायंगल का ये हो जाएगा अलग से, तो आठ आठ सोलह और दो अठारह, ये इसमें अठारह ट्रायंगल हो जाएंगे। इनको याद रखिए सिंपली, इसको देखिए इसमें कितने हैं आठ ट्रायंगल हैं, आगे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है ऐसे क्वेश्चनों की। देखिए अब जैसे ये दिया है आपको इस टाइप का क्वेश्चन, इसमें मिलाए कितने हैं पाँच बॉक्स मिला दिए उस टाइप के, जैसे उसमें तो दो थे, तो पहले तो आठ इंटू में पाँच, क्योंकि एक में आठ पाँच होते हैं, मतलब आठ होते हैं, तो ये पाँच हैं, ये तो चालीस तो सिंपली है ही है इसमें अपने, एक कॉर्नर ये यहाँ पे बना, एक ये दो कॉर्नर, दो ये हो गए, दो ये हो गए और दो ये हो गए, दो चार छः दो आठ, आठ ये हो गए, चालीस प्लस में आठ, तो इसमें कितने हो गए ट्रायंगल अपने फोर्टी एट अड़तालीस। अब जैसे एक स्टार्टिंग में रूल पढ़ा था हमने जो ट्रायंगल का था, सिंपली ऐसे ट्रायंगल दी है, इसमें तीन थे और एक ये बॉक्स वाला है, ये बॉक्स वाला इसमें मिला दिया, इसमें तो अपना इस ट्रायंगल में कितने अपने, ये ट्रायंगल में तो हैं अपने तीन, एक दो और एक तीन,
और जो इसमें बॉक्स में जैसा हमने पढ़ा था कि भाई जितने मैक्सिमम हम उनको 6 से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसमें कितने हो गए 12, 6 गुणा में 2 12 हो गए। अब ये कॉर्नर बन गया अपना, एक ये कॉर्नर बन गया, एक इसमें ये कॉर्नर बन गया ना। तो इस कॉर्नर से कौन सी ट्रायंगल बनेगी, ये वाली ट्रायंगल है जो ये बनेगी इससे, और इस कॉर्नर से ये वाली ट्रायंगल है जो ये बनेगी, दो ट्रायंगल और ये हो गए, तो कितने हो जाएंगे अपने 17। ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। पहले ट्रायंगल का हमने पर सीखा था, फिर इसका स्क्वायर का सीखा था हमने, इसमें ट्रायंगल कितने हैं उन दोनों को कंबाइन करके दे दिया इसमें। अब देखिए दो ट्रायंगल दिए हैं, दो एक ट्रायंगल इधर होगा, एक ट्रायंगल इधर होगा, एक स्क्वायर ये होगा, एक स्क्वायर होगा, दो स्क्वायर दो ट्रायंगल, इसमें हमें पता कितनी है 3 है, इसका भी पता हमें कितनी है 3 है। और जैसे हमने जैसे पढ़ा था पहले, इसमें 8 थी और इसमें भी 8 हैं, और इसमें दो कॉर्नर बने हैं दो मिलाने पे, तो इसमें टोटल हो जाएगी 18 हो जाएंगी ना। अब फिर इसमें अपना एक तो ये कॉर्नर आ गया ट्रायंगल से, और एक ये कॉर्नर आ गया अपना, एक ये कॉर्नर आ गया और एक ये कॉर्नर आ गया, इस कॉर्नर से ये ट्रायंगल, इस कॉर्नर से ये ट्रायंगल, और इससे ये वाली ट्रायंगल, और इससे ये वाली ट्रायंगल, ये चार ट्रायंगल और ज़्यादा हो गए, कितनी हो गई अपनी 18, इसमें 18, इसमें 18 हो गई अपनी 18, और इसमें 3, इसमें 3, और ये कॉर्नर वाली ये 4 हो गई अपनी, है ना, तो 4, तो कितने हो गए इसमें 28 ट्रायंगल इसमें हो गए अपनी, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, हाँ इसमें इतना ये आगे देखिए। अब ये ऐसे टाइप का दे दिया 4 है, उसमें तो ऐसे मिलाए थे हमें लाइन में, सिम जो लीनियर लाइन थी उसमें मिलाए थे, लेकिन इसमें ऊपर पर रखे हुए हैं एक साथ उसमें, तो इसमें देखिए अपना क्या है, इसमें कितने हो गए 8, इसमें हो गए 8, इसमें 8, इसमें 8, ये 32 तो हो गए अपने, 8 × 4 32 हो गए, है ना। अब क्या होगा, 32 तो ये हो गए, अब एक तो अपना जो कॉर्नर ये वाला लगा लीजिए सेंटर का, पहले सेंटर पे ये सेंटर है, चारों के सेंटर मिल रहे हैं, तो इस पर इससे एक तो ट्रायंगल कौन सी बनेगी, ये वाली ट्रायंगल बनने वाली है, ये वाली एक ट्रायंगल, यहाँ से दूसरी ट्रायंगल ये बनेगी, है ना, और तीसरी ट्रायंगल ये बन गई इधर, है ना, और चौथी ट्रायंगल है जो ये बन गई, चार ट्रायंगल ये हो गई, 32 प्लस में 4, है ना। अब देखिए 32 और 4 देख लिए अपन ने, अब दूसरा और लगा लीजिए हम, ये यहाँ से लगा लीजिए, ये पॉइंट है जो इससे और बड़ा ट्रायंगल है जो ये वाला, ये वाला ट्रायंगल है जो, एक तो ये ट्रायंगल बन गया, एक यहाँ से इस पॉइंट से ये वाला ट्रायंगल है जो ये बन गया, है ना, दो ट्रायंगल ये हो गए, दो इनको लगा लीजिए आप, एक इस पॉइंट ये पॉइंट लेंगे आप, इस पॉइंट से ये वाला ट्रायंगल, है ना, और ये पॉइंट लेंगे इससे ये वाला ट्रायंगल हो जाएगा, है ना, और जो ये इधर वाला पॉइंट है, ये 4 हो गए अपने, 4 तो देख लिए हमने, एक ट्रायंगल लिए, एक ये और एक ये, 4 ये हो गए, है ना, 32 प्लस 4 प्लस 4 ये हो गए। अब ये पॉइंट है, इससे निकालेंगे अपन तो ये वाला ट्रायंगल, इस पॉइंट से निकालेंगे तो ये वाला ट्रायंगल हो जाएगा। अब बचा ये वाला, इससे ट्रायंगल कौन सा बनेगा अपना, ये वाला ट्रायंगल इस पॉइंट से, या इस पॉइंट से लगा लीजिए आप, ठीक है, इस पॉइंट से ये वाला हो जाएगा, ये भी हो गया अपना, तो इसमें कुल मिला के बनेंगे अपने 4 और 32 4 36 और 4 40 और 4 44, इसमें जो ट्रायंगलों की संख्या बनेगी अपनी वो बनने वाली है अपनी 44, ठीक है। आगे देखते हैं अपना, इसमें देखिए स्टार दे देगा, स्टार इसमें कैसे काउंटिंग करते हैं, अब जैसे ये दो ट्रायंगल उल्टी दे रखी है हमने, एक तो ट्रायंगल ये वाली दी है इस टाइप की, और दूसरी ट्रायंगल ऐसे दे दी, इसमें बताना कि भाई ट्रायंगल की संख्या कितनी होगी। इसमें हम क्या करेंगे, बाहर की हैं जो, बाहर वाली को काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, 6 हो गई, और एक ये बाहर का पॉइंट है 7 और एक ये 8, तो इसमें स्टार में ये दो ट्रायंगल उल्टी हों तो उसमें कितने होंगे 8 ट्रायंगल होंगी अपनी। अब वो तो अपना दो ट्रायंगल उल्टी थी, और जैसे अब स्टार है एक पॉइंट से निकाल के बनाया है ये, ऐसे इस टाइप से बनाया है ये, इसे ऐसे करके और ऐसे ये बना दिया इन्होंने स्टार, तो इसमें हमें बताना कि इसमें ट्रायंगल कितनी होंगी। एक तो हमें बाहर की काउंट करनी है, 1 2 3 4 और 5, 5 हो गई इसमें, और फिर ये पॉइंट हैं ये वाले पॉइंट,
यहाँ से हमको निकालनी है ट्रायंगल, एक एक इस पॉइंट से बन जाएगी ट्रायंगल, ये वाली है जो इस पॉइंट पे याद देख लेते, ये वाली ट्रायंगल यहाँ से बन गई, इस पॉइंट से जो ये वाली ट्रायंगल निकल गई है ना, हर एक पॉइंट से ऐसे ही निकल जाएंगी ट्रायंगल, पांच और इसमें ट्रायंगल हो जाएंगी, तो 10 ट्रायंगल इसमें अपनी हो जाती हैं स्टार में। आगे देखते हैं अपना, इस टाइप का दे देगा स्क्वायर दे देगा, एक बॉक्स दे देगा, उसमें इस टाइप के बना देगा, इसमें कैसे काउंट करेंगे हम, हमने पढ़ा था जो ऐसे वाले थे इसमें बनती हैं आठ, तो इसमें तो बॉक्स में तो हो गई अपनी आठ, इसमें ये वाली ये तो आठ हो गई, आठ तो लिख लेते हैं अपन। और फिर अपना ये वाला दिख रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है, एक ये ट्रायंगल बन रहा है और ये इसको बीच में से कट कर रहा है, तो इसमें गिनी थी हमने एक दो, इनको जोड़ देंगे तीन, इसमें हो गई ना तीन, और एक ये हो गई एक ट्रायंगल इधर वाली, और ये एक ये वाली हो गई ट्रायंगल, है ना, दो ट्रायंगल ये हो गई। और फिर अब मान लीजिए ये वाला पॉइंट, या फिर ये वाला पॉइंट मान लीजिए, ये बड़े वाला पॉइंट है, इससे एक ट्रायंगल ये निकल रही है, ये वाली इधर ट्रायंगल, और एक यहाँ से ये वाली ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल और ये हो गई, तो कितनी हो गई 15 ट्रायंगल इसमें बनेंगी अपनी। आगे देखते हैं अपना, अब इस टाइप का दे देगा कोई क्वेश्चन, इसमें देखिए हमने पढ़ा था ये वाला बॉक्स तो हमें दिख रहा ना, ये वाला इसमें कितनी होती हैं आठ, अंदर वाले में आठ होती हैं, आठ काउंट कर ले, और जैसे हमने जैसे बाहर की देखी थी बाहर की गिननी है, तो बाहर वाले गिन लेंगे एक दो तीन चार, चार ये हो जाएंगे, तो इसमें हो जाएंगे अपनी 12, है ना 12। हम आप ये कहेंगे कि ये पॉइंट है यहाँ से निकाल लो एक, इससे देखिए ये वाली निकालेंगे हम, ये पॉइंट वाली, ये तो बीच वाले में ही ऐड हो गई ना अपनी, बीच वाले में आठ में ही आ गई है। अब देखिए इस टाइप की ट्रायंगल दे देगा एक, ये इसमें से निकाल देगा अपना, मैथ में देखे होंगे आपने ऐसी ट्रायंगल बनती हैं, तो इसमें कैसे निकाल लेंगे, पहले तो इनको अल्टरनेटली काउंट कर लेंगे अपना, दो तीन चार पाँच छः है ना, और एक ही बड़े वाली सात, या फिर ऐसे काउंट करेंगे कैसे, ये एक है और एक ये दो है, ये कितनी हो गई तीन। अब ये दूसरी ट्रायंगल ले लीजिए इधर, है ना सात तो वो गई, ये एक दो और ये प्लस तीन, और एक फिर ये ट्रायंगल इधर है ये वाली, एक दो ये तीन हो जाएंगी नौ, और जैसा कि हमने काउंट की थी वो सात और, तो इसमें कितनी हो जाएंगी 16 अपनी ट्रायंगल हो जाएंगी, इसमें 16 ट्रायंगल। ओके नेक्स्ट है, इस टाइप की दे देगा कोई ट्रायंगल, ट्रायंगल की लास्ट है, फिर हम स्क्वायर देखेंगे कैसे है। इसमें देखिए इसमें क्या करेंगे हम, इसमें सिंपली हम इनको काउंट करेंगे जितनी है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, इनको काउंट करेंगे, और फिर इसको काउंट करके जितनी बनती हैं, नौ आई है, इसको दो से गुणा कर देंगे सिंपली, और इसमें से पाँच माइनस कर देंगे, तो जितनी ट्रायंगल है वो इसमें आ जाएंगी। काउंटिंग में तो ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें, और जैसे इसमें और ज़्यादा दे दी तो कब तक काउंट करेंगे आप, है ना, तो इसमें हम इतनी आई हैं अपनी 17 आई 16 आई हैं इसमें 16 16 तक की दो से गुणा करी और माइनस कर दिया 5 27, तो इसमें 27 है। इस टाइप से इसमें निकालते हैं। अब आगे देखते हैं अपना स्क्वायर आता है, स्क्वायर और जो रेक्टेंगल होते हैं, देखिए जो स्क्वायर होता है स्क्वायर कैसे निकालते हैं, मान लीजिए आपको ये दिया हुआ है कोई बॉक्स है, इसमें से निकाल दिया ये, तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर स्क्वायर निकालने हैं हमको, ये रो है वो काउंट करेंगे 1 + 2, अगर दोनों सेम है तो इसमें क्या करेंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे और उनको जोड़ देंगे, तो इसमें 5 हो जाएंगे। अब ये दिया है इसमें स्क्वायर करना है, तो इसमें क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे तीनों का, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो 14 आ जाएंगे अपने स्क्वायर हैं। लेकिन जो रेक्टेंगल हैं, रेक्टेंगल निकालेंगे हम तो इनका जो क्यूब करेंगे हम क्यूब, तो इसमें रेक्टेंगल आ जाएंगे 9, और इसमें रेक्टेंगल आ जाएंगे इसका क्यूब करेंगे तो 36। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि भाई ऐसे कितने रेक्टेंगल हैं हम जो मतलब स्क्वायर नहीं हैं, तो इसमें है जो अपने 9 है रेक्टेंगल और स्क्वायर हैं 5, तो कितने बचे 4, दो चार हैं जो वो स्क्वायर नहीं है, इसी में भी ऐसे माइनस कर देंगे इसमें से, तो इसमें आ जाएगा 22, है ना। अगर मान लीजिए इनमें तो अपना रो और कॉलम सेम थे, आपने देखा होगा इसमें भी
एक दो और इधर दो, एक दो तीन, एक दो तीन, रो और कॉलम सेम थे ना। अगर मान लीजिए ये डिफरेंट आ जाते हैं, अपने अलग अलग आ जाते हैं, जैसे ये देखा हमने एक दो तीन चार पाँच छः, इधर चार दिए हैं है ना, तो इसमें ऊपर वालों को ऐड कर लेंगे हम। देखिए छः पाँच ग्यारह, ग्यारह पाँच पंद्रह, पंद्रह तीन अठारह, और दो बीस रेख इक्कीस, इसको ऐड कर लेंगे और इनको भी ऐड कर लेंगे। चार तीन सात, दो एक दस, दस हो जाएंगे। अब क्या करेंगे हम, जो यहाँ पे मैक्सिमम है इधर, यहाँ से इसकी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देंगे हम ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर इनको जोड़ देंगे है ना। ये अपने आएंगे स्क्वेयर आ जाएंगे, जैसे चार की छः के साथ मल्टीप्लिकेशन, तीन की पाँच के साथ, दो की चार के साथ और एक की तीन के साथ। ये दो बच गया तो इसको छोड़ दो, रहने दो इसको, यहाँ पे मैक्सिमम है, इनसे ही स्टार्ट करनी है हमें, ये और यहीं को एक तक लेके जाना है। तो फिर इनको ऐड कर देंगे, तो ऐड में 50 आ जाएगा। ये अपना स्क्वायर निकालते हैं ऐसे। अगर रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे, तो इसमें सिंपल ही है रेक्टेंगल का, ये जितनी आई हैं और ये आई हैं, इनको सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएंगे वो रेक्टेंगल आ जाएंगे अपने। तो इसमें 21 इंटू में 10, 210 रेक्टेंगल आ गए अपने। अब ये आता है कि भी इसमें जो रेक्टेंगल है जैसा पहले था, जो स्क्वेयर नहीं है, तो इसमें से माइनस कर देंगे, तो इसमें है 160 ऐसे रेक्टेंगल है जो स्क्वेयर नहीं है ना। अब मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन आ जाता है एक्सरसाइज के लिए, दे देते हैं हम आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे देता है, जैसा हमने ये पढ़ा था, इसमें कितने होते हैं ना 18, 8 होते हैं इसमें, और ये भी पढ़ चुके हैं हम, इसमें होते हैं ना 16, ये पढ़ चुके हैं ना अपन, इसमें दिख बता देते हैं, 7 + 9 आई थी, 16 आई थी इसमें ना, इस वाले में, तो ये हो जाती है हमने 16 और 8 24। इसमें भी आगे देखिए, इसमें एक अपना अंदर ये बॉक्स दिया है, इसमें कितने अपने 8, और इसमें एक दो तीन, तीन छः है आगे, इसमें इसमें 6 हो गए, इसमें भी 6 हो गए, और इसमें भी 6 हो गए है ना, और इसमें कितने हो गए 6 हो गए, 24 ये हो गए और 8 ये हो गए, 32 हो गए है ना, 32। अब मान लीजिए ये कहेंगे आप, तो इसमें तो ट्रायंगल बन नहीं दिख रहा मुझे, जैसे ये वाला है ये ट्रायंगल नहीं होता है ना, ट्रायंगल इन पॉइंटों से ट्रायंगल नहीं बन रहा, तो इसमें है 32। ओके, ये था जो आपका आज का चैप्टर था, जिसमें हमने अपना जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल अपना स्क्वायर है और रेक्टेंगल है, ये काउंट करना सीखा है। अगर वीडियो पसंद आए तो बेझिझक लाइक कीजिए और दबा के शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।